उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने की कवायद बड़ी जोर शोरों से चल रही है। वहीं इन वादों की पोल जब खुल गई जब हमारी टीम सीतापुर के देहात कुतवाली क्षेत्र नेपालापुर चौराहे के समीप पहुंची। कैमरे में कुछ ऐसे दृश्य कैद हो गए जिससे गड्ढा मुक्त सड़कों के वादों की पोल खुलती नजर आई। मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर देहात कुतवाली क्षेत्र नेपालापुर शीश महल कॉलोनी के सामने गली में अमृत योजना अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने हेतु गड्ढे खोद कर डाल दिए गए। गड्ढे ऐसे जिनमें से होकर चार पहिया और दो पहिया वाहन पार करने में असमर्थ दिखे। इन गड्ढों में भयंकर पानी भरा दिखा। साथ ही प्रशासन की घोर लापरवाही से सिद्ध होता है कि प्रशासन को किसी प्रकार की जनमानस की चिंता नहीं है और बरसात के समय इन गड्ढों को खोदने की आवश्यकता ही क्या थी यदि इन गड्ढों को पाटा नहीं जा सका। इन गड्ढों में फंसे हुए लोग परेशान दिखे। साथ ही जानकारी यह भी प्राप्त हो रही है कि इन वाहनों को गड्ढों से बाहर निकालने के लिए लोग रकम भी वसूल रहे हैं, उसके बाद इन वाहनों को टोकन कर इन्हें बाहर निकाल देते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद इन गड्ढों में फंसे वाहनों को निकाला जा रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं कुछ ऐसे दृश्य जो गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा करने वालों की पोल खोल रहे हैं।